यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 19, यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 19 और इस्राएल के प्रधानों के विषय तू यह विलाप गीत सुना। तेरी माता एक कैसी सिंहनी थी, वह सिंहों के बीच बैठा करती थी और अपने बच्चों को जवान सिंहों के बीच पालती पोसती थी। अपने बच्चों में से उसने एक को पाला और वह जवान सिंह हो गया और अहेर पकड़ना सीख गया। उसने मनुष्यों को भी फाड़ खाया और जाति जाति के लोगों ने उसकी चर्चा सुनी और उसे अपने खोदे हुए गड्ढे में फंसाया और उसके नकेल डालकर उसे मिस्र देश में ले गए। जब उसकी मां ने देखा कि वह धीरज धरे रही तो भी उसकी आशा टूट गई। तब अपने एक और बच्चे को लेकर उसने जवान सिंह कर दिया। तब वह जवान सिंह होकर सिंहों के बीच चलने फिरने लगा और वह भी अहेर पकड़ना सीख गया और मनुष्यों को भी फाड़ खाया और उसने उनके भवनों को बिगाड़ा और उनके नगरों को उजाड़, वरन उसके गरजने के डर के मारे देश और जो कुछ उसमें था सब उजड़ गया। तब चारों ओर के जाति जाति के लोग अपने अपने प्रांत से उसके विरुद्ध निकल आए और उसके लिए जाल लगाया और वह उनके खोदे हुए गड्ढे में फंस गया। तब वे उसके नकेल डालकर और कठघरे में बंद करके बाबुल के राजा के पास ले गए और गढ़ में बंद किया कि उसका बोल इस्राएल के पहाड़ी देश में फिर न सुनाई दे। तेरी माता जिससे तू उत्पन्न हुआ वह तीर पर लगी हुई दाखलता के समान थी और गहरे जल के कारण फलों और शाखाओं से भरी हुई थी और प्रभुता करने वालों के राजदंडों के लिए उसमें मोटी मोटी टहनियां थी और उसकी ऊंचाई इतनी हुई कि वह बादलों के बीच तक पहुंची और अपनी बहुत सी डालियों समेत बहुत ही लंबी दिखाई पड़ी। तब भी वह जलजलाहट के साथ उखाड़कर भूमि पर गिर गई और उसके फल पुरवाई हवा के लगने से सूख गए और उसकी मोटी टहनियां टूटकर सूख गई और वे आग से भस्म हो गई। अब वह जंगल में बरन निर्जल देश में लगाई गई है और उसकी शाखाओं की टहनियों में से आग निकली जिससे उसके फल भस्म हो गए और प्रभुता करने के योग्य राजदंड के लिए उसमें अब कोई मोटी टहनी न रही। यही विलाप गीत है और यह विलाप गीत बना रहेगा।